सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल बॉडी यानी। तो कैसे हो आप लोग? सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और आज हम आपको एक बताने वाले हैं हाइपर फोन के बारे में, जो 120 वॉट के चार्जर के साथ मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, इसमें हम फोन में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा आज सोमी के बारे में बात करेंगे और फिर चर्चा करेंगे क्या है ये हाइपर फोन, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस महीने के शुरुआत में ही सोमी ने 11i और 11i हाइपर चार्ज स्मार्टफोन लॉन्च कर चुका है। उसे लॉन्च करने के बाद चीनी स्मार्टफोन कंपनियों ने सोमी भारत में एक और प्रीमियम मोबाइल फोन लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कंपनी ने सोमवार को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर के सहारा लेते हुए यह हमें जानकारी देने की कोशिश किया गया है कि 19 जनवरी 2022 को सोमी 11T Pro एक हाइपर फोन लॉन्च किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं इस फोन की थोड़ा स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि यह इस तरह का एक शक्तिशाली स्मार्टफोन होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज मैं इसके पावरफुल डिज़ाइन और इसके अनुभव के बारे में थोड़ा सा शेयर करूंगा। सो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हाइपर चार्ज 5G लॉन्च के लाइव स्ट्रीम के दौरान हाइपर फोन वाले ने एक टीजर दिखाते हुए भारत को ये पहले ही बता चुका था कि सोमी 11T Pro 5G के लॉन्च का ये आएगा ही आएगा। सो फ्रेंड्स, सोमी 11T Pro भारत में कीमत का ऐलान अभी नहीं किया है, हालांकि यह फोन पिछले साल यूरोप में लॉन्च किया गया था। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल के साथ आपको देखने को मिलेगा। 11T Pro की कीमत अगर जो यूरोपीय देश की बात करें तो वहां पे इसकी कीमत लगभग 649 यूरो थी। फ्रेंड्स, अगर आप इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 56,300 रुपीस होता है। फ्रेंड्स, अगर जो हम इसकी बात करें डिफरेंट कैपेसिटी में ये आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, साथ ही साथ इसमें आपको सोमी 11T Pro में यूरो मॉडल में 120 मेगाहर्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.67 इंच 10 बिट ऑलमेंट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यह एक ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 SoC द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसे 128GB तक रैम देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें आपको 12GB तक का रैम भी देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, इसमें ये फैसिलिटी भी अवेलेबल होगा कि अगर जो आप चाहे तो इसका रैम एक्सटेंड कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर जो हम इसकी कैमरा की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सिनेमैटिक एंड मैजिशियन कैमरा आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इसमें फिंगरप्रिंट साथ साथ आपको मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर जो हम इसकी डिज़ाइन की बात करें तो ये आपको साइड से स्टील लगे मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो कि ये कितना ही अच्छा एक हैंड लुक देने वाला है। सो फ्रेंड्स, इसकी अगर हम बात करें अभी अनाउंसमेंट लॉन्च डेट की तो मैं आपको बता चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह के नए वीडियो पाने के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।